वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले कोवर्कर्स एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब इन्हें बचाने वाला 2-3 दिन तक कोई भी आने नहीं वाला था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फंसने के पीछे भी एक राज दफन था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डाउन एक हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग भी बहुत अच्छी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जेनिफर को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। आज बहुत ही लेट हो चुका था, उसके साथ ऑफिस में कोई भी नहीं था, पर फिर भी वो काम कर रही थी। थोड़े दिनों पहले उसके फियांसे के साथ उसका झगड़ा हो गया था, इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, पर वीकेंड पर जाकर वो उसे सरप्राइज करने वाली थी। इसके बारे में वो एक ईमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती क्योंकि ये एक सरप्राइज था। नेक्स्ट सीन में हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है काय। ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था। ये दोनों अलग अलग फ्लोर पर एक ही लिफ्ट में चढ़े। गाय जेनिफर से मिलते उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए जोक्स वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। लिफ्ट में ड्राइंग बनी थी, गाय ने जेनिफर को ड्राइंग दिखाई, तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। इन्होंने अलार्म वगैरह दबाने की कोशिश की पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। लिफ्ट में जेनिफर ने कैमरे को नोटिस किया, कैमरे में वेव वगैरह करते हैं पर दूसरी साइड पर कोई भी नहीं था। ये फोन कर किसी की हेल्प मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी। अब इस लिफ्ट में ये 5 दिनों के लिए ट्रैप्ड है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और 2 दिन की छुट्टी थी। गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी अभी इस बिल्डिंग में जॉब ज्वाइन किया है, उसे इस लिफ्ट के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। जेनिफर ने कहा कि कभी कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी, शायद इसी वजह से स्टक हो गई है। गाय को अचानक से आइडिया आया कि लिफ्ट के ऊपर से ये एग्जिट हो सकते हैं। हर लिफ्ट में एग्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी। फिर वो झुककर जेनिफर को ऊपर की सीलिंग चेक करने के लिए कहता है। जेनिफर के चेक करने के बाद भी ये ओपन नहीं हो रहा था। इन्होंने बहुत ट्राई किया पर कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटा बीत गया और जेनिफर रियलाइज करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दी है। वो गुस्सा हो गई और सारी चीजों को गालियां देने लग गई। उसे प्यास लगी थी तो गाय ने उसे अपनी बॉटल दी। जेनिफर उसका पानी पीने से मना कर दिया पर गाय ने कहा, हमारे पास एक तो ये पानी है, दूसरी वाइन की बॉटल, अब तुम डिसाइड करो। वो मजाक में कहता है, वाइन की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है। जेनिफर ने भी अपनी पर्स से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया। इस पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। उसने फिर पानी पी लिया था। वो गाय को एज अ जेस्चर एक चॉकलेट दे दिया। उसने कहा, अब हमें सारी चीजें एकदम तोल माप कर यूज करनी चाहिए। हम यहाँ पर शायद 5 दिनों के लिए फंसे रह सकते हैं। अब इसके बाद और 4 घंटे बीत गए थे। उसे पी करना था पर गाय के सामने इस तरीके से टॉयलेट करना उसे अजीब लगता है। गाय ने फिर उसे एक बॉटल दी, कहा कि एक नेचुरल चीज है, इसमें कोई भी शर्म करने की जरूरत नहीं है। उसे मुड़ने के लिए कहती है और फिर टॉयलेट कर लेती है। उसने अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब ये यहाँ फंसे रहेंगे। लिफ्ट में जो ड्राइंग बनी थी उसी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेती है। जेनिफर गाय से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को कॉल कर तुम्हारे बारे में पता करेगी। मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है। जेनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा, उसे सरप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये दोनों रियलाइज करते हैं कि वो कितने सेम है। गाय ने फिर वाइन की बॉटल खोल ली। टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। गाय ने जेनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी पर जेनिफर उसकी एक फनी सी ड्राइंग बनाती है। जेनिफर को इसके लिए बुरा लगा और वो कहती है, तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे मैं मेरी प्रोफाइल पिक्चर रखूंगी। बातें करते करते खाने पर डिस्कस करने लग गए। दोनों भूखे थे तो जेनिफर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करते हुए एक दूसरे के पार्टनर के साथ क्रेजी स्टोरी बताने लग जाते हैं। जेनिफर कहती है कि एक बार मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में वो कहता कि मेरी एक कोवर्कर थी, हम एक बार ड्राइव पर गए थे, वही पर इंटीमेट हुए थे। ये सब बताते हुए उसे जेनिफर के लिए फीलिंग्स आ गई। जेनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये दोनों यही पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय ने जेनिफर से कहा कि तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ। ये बात जेनिफर को बहुत ही अजीब लगी। उसे कहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे। वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी, उसके पास वापस जाना चाहती थी। गाय को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया। वो कहता है, मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनेक्शन है, या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ?